हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी थी, बट अभी जो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे, अगर आप बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो एक बार और मैं आप लोग को बता दूँ, आईआईटी मद्रास ने 30 जून 2020 को एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग का। बीएससी प्रोग्राम है ये। इसमें आपको, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, बीएससी से ऑनलाइन ग्रेजुएशन भी कर सकते हो आईआईटी मद्रास में। इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई भी आईआईटी जेई वगैरह का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको अगर आईआईटी मद्रास में बीटेक करना हो तो आईआईटी जेई देना होता है, मतलब एडवांस क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। बट इस प्रोग्राम में, बीएससी का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग का, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और ये बात करें अगर कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम में, तो आपका क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स से होना चाहिए क्लास टेंथ, साथ में अगर आपने ट्वेल्थ मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है तभी जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 2020 में भी अपना ट्वेल्थ जो इंटरमीडिएट है उसको पास किया है तो इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में ही मान लो अगर कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो और डेटा साइंस का जो डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग का जो ऑनलाइन बीएससी डिग्री है उसे हासिल कर सकते हो। इसका जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है वो 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर। तो आपको 15 तारीख, मतलब 15 सितंबर से पहले इसमें अप्लाई कर देना है। साथ में यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे 2,50,000 स्टूडेंट से इनरोल कर सकते हैं। यानी कि अगर 15 सितंबर से पहले 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट इनरोल कर देते हैं, मतलब 2.5 लाख स्टूडेंट्स इनरोल कर लेते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस को वहीं पे रोक दिया जाएगा, या फिर लास्ट डेट तो 15 अगस्त है ही है। तो आपको अगर अप्लाई करना है, आपको वहाँ से बीएससी चाहिए आईआईटी मद्रास से, आप जल्द से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का जो फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है, वो 3,000 रुपये हैं। 3,000 आपको पे करके वहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। मैंने जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से फॉलो करके आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है उन्हें आप खुद से पढ़ सकते हो। जो भी स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसका लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे रखा है। आप जाके एक बार उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या है, इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो, कितने दिन का होने वाला है और जो भी स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने फ़ी वगैरह से रिलेटेड भी डिस्कशन किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लेना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस मैं यही बताने वाला था, अगर आपको बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से अप्लाई कर दो। साथ में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, होपफुली मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।